देखिए, सोशल मीडिया एक डेमोक्रेटिक मीडिया है। इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है और उसका भी इतना ही महत्व है जितना किसी बड़े आदमी का। सोशल मीडिया ने पिछले कुछ सालों में भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। देश में जागरूकता आई है, अकाउंटेबिलिटी आई है, संवेदनशीलता आई है। आपने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी सरकार ने लोगों को कैसे मदद की है। पीएम मोदी जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के फैन हैं, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मोदी सरकार के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बनाई गई वो गाइडलाइंस जिन्हें सोशल मीडिया कंपनियां लागू करने को तैयार नहीं है। ट्विटर और सरकार के बीच तो खुली जंग छिड़ी हुई है। ट्विटर का कहना है कि वो नए नियमों को लेकर अपने यूजर्स की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे से चिंतित है, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि ट्विटर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश ना करे। ट्विटर ने अपने बयान में अपने यूजर्स की अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ भारत में अपने अधिकारों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है, क्योंकि संबित पात्रा के टूलकिट वाले ट्विटर पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाने के बाद दिल्ली पुलिस की टीमें ट्विटर के गुरुग्राम और दिल्ली स्थित दफ्तर पहुंच गई थी। क्या कोई भी देश अपने देश के हितों के खिलाफ, कोई भी संस्था, कोई भी व्यवस्था अगर काम कर रही है तो क्या उसको वो नजरअंदाज कर सकती है? क्या वो इग्नोर कर सकती है? इसको ध्यान में रख करके जो हमारे यहाँ कानून है, उस कानून के हिसाब से सभी को चलना पड़ेगा। अब आपको आसान तरह से समझाते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नए गाइडलाइंस की जरूरत को लेकर भारत सरकार के क्या तर्क हैं। पहला तर्क तो ये है कि आप इन कंपनियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवा सकते। इन सोशल साइट्स की शिकायत करने के लिए आपके पास भारत में मौजूद किसी अधिकारी से संपर्क करने का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप कंपनी के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर शिकायत भेजते हैं तो उस शिकायत पर कार्रवाई की कोई टाइम लिमिट तय नहीं है, और अगर शिकायत पर कार्रवाई होती भी है तो सभी कंपनियां अपने अपने नियम के हिसाब से खुद फैसला ले लेती हैं। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी पोस्ट या ट्वीट को बिना कारण बताए हटा सकता है, और भारत के कानून के प्रति इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कोई खास जिम्मेदारी भी नहीं है। ये तो तर्क है जो नई गाइडलाइंस को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि हमें हीनियस क्राइम, रेप, टेररिज्म, टेररिस्ट एक्ट्स, सेडेशन अगेंस्ट कंट्री, अगर ऐसी कोई चीजें हैं जहां की हीनियस क्राइम्स है, जहां की क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है, वहां अगर हमें डाटा चाहिए तो वो हमें पता लगना चाहिए कि ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, किसने ये व्हाट्सएप मैसेज या किसने ये ट्वीट या किसने फेसबुक के ऊपर ये डाला है। अगर ऐसे केस में हमें ये पता लग जाए या पुलिस को ये पता लग जाए कि भाई ये कौन लोग हैं जो ये इस तरीके की मैसेज फैला रहे हैं, किस कौन लोग ऐसी भ्रांति फैला रहे हैं, कौन लोग ऐसे मिसकम्युनिकेशन फैला रहे हैं, तो गवर्नमेंट जरूर जानना चाहेगी और उन लोगों को अकॉर्डिंगली पनिश किया जाएगा। सोशल मीडिया कंपनियां जिस बात का सबसे ज्यादा डर दिखा रही हैं वो है यूजर्स की निजता के अधिकार का उल्लंघन, जिसको सरकार सोशल मीडिया कंपनियों का बहाना बता रही है। जानकारों के मुताबिक नई गाइडलाइंस लागू होने पर ट्विटर अपनी मर्जी के हिसाब से बिना किसी स्पष्टीकरण के किसी ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल नहीं लगा पाएगा। नई गाइडलाइंस लागू होने पर अगर ट्विटर ऐसा करता भी है तो उसे बताना होगा कि उसने किसी ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया फ्लैग क्यों किया। साथ ही भ्रामक और फेक न्यूज पर तय वक्त में कार्रवाई करने के लिए नए नियम दबाव बनाने का काम करेंगे। जानकार कहते हैं कि दुनिया के तमाम बड़े देशों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नियम और पाबंदियां लागू हैं, तो भारत में इन कंपनियों को नियमों से चलने में क्या दिक्कत है।